नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है हरगोविंद अरोड़ा जी जो पूर्व प्रत्याशी लोकसभा, और हम बात करेंगे जैसे भूमि पूजन, अयोध्या मंदिर की भूमि पूजन है 5 तारीख को, उसी को लेके हरगोविंद अरोड़ा जी का क्या कहना और क्या संदेश देना चाह रहे। हरगोविंद अरोड़ा जी, जैसे 5 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी अयोध्या जाएंगे, भूमि पूजन करेंगे राम मंदिर का, तो उस पर आप क्या संदेश देना चाह रहे देशवासियों? देखिए जी, सबसे पहले तो प्रभु श्री राम का वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा कि प्रधानमंत्री तो इस विशेष काम के लिए जा ही रहे हैं। सभी देशवासियों से, किसी एक धर्म विशेष से नहीं, सभी देशवासियों से, सभी भारतवासियों से ये मेरा निवेदन है कि उस दिन अपनी खुशी का इजहार करें, एक दिया अपने घर पे अवश्य जलाएं, जैसे मोमबत्ती के माध्यम से या लड़ियों के माध्यम से प्रकाश कर सकते हैं दीपावली की भांति, क्योंकि ये अवसर हमारे जीवन काल में 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, कई पीढ़ियां खप जाने के बाद, हम वो पीढ़ी हैं जो इस शुभ अवसर को अपने जीवन काल में देख पा रहे हैं। और मेरा तो ये सपना था, क्योंकि 1990 में और 1992 में हम जब कार सेवा के लिए अयोध्या गए थे, बजरंग दल का तब मुझ पे दायित्व हुआ करता था, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे कार सेवा में शामिल होने का, भगवान राम की सेवा करने का वो अवसर प्रदान हुआ, और आज मैं अपने जीवन में जीते जी अपना सपना पूरा होता हुआ अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अच्छा सर, जैसे हम बात करें जी, वहाँ पे कार सेवक गए थे और जो गोलीकांड हुआ था, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया, क्योंकि कई दिनों से मीडिया में ये बात तो चल रही है कि आज वहाँ राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन राम भगवान राम के मंदिर बनने के पीछे ये 1990 की जो कार सेवा थी, उसमें एक कायर के फायर ने डायर की याद दिला दी। मुलायम सिंह ने जो कार सेवकों पर गोली चलाई, वो आजाद भारत में जलियांवाले कांड को याद दिलाती है हमें। अच्छा सर, जैसे जो लोग वहां पे शहीद हुए थे, उनके लिए भी कुछ ऐसा उनका कुछ बनाया जाएगा या उनको याद किया जाएगा इस मौके पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सक्षम है, वो इस विषय पे अवश्य विचार करेगी, क्योंकि ये आंदोलन एक दिन का तो था नहीं, 500 वर्ष का एक बहुत बड़ा संघर्ष था, जिसको कि हासिल करने के बहुत से लोगों ने अपने जीवन को त्याग दिया। जैसे 1990 कार सेवा में कोठारी बंधु, मुख्य रूप से मैं केवल उन्हीं का नाम इसीलिए ले रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने भगवान श्री राम के नाम पर शहादत दी कि वहाँ भगवान राम की जन्मभूमि स्वतंत्र हो सके, उस पर लगा हुआ कलंक हट सके। तो कार सेवकों ने जो विवादित ढांचा, क्योंकि स्वयं उसको वो मानते हैं कि ढांचा विवादित ढांचा था, उस पर किसी की आराधना तो वहाँ होती नहीं थी, तो उसको कलंक को हटाकर मंदिर निर्माण का तभी तो आज रास्ता स्पष्ट साफ हुआ। हरगोविंद अरोड़ा जी, मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें, जो वहाँ पाकिस्तान के कुछ नेता है वो कह रहे कि 5 अगस्त को पाकिस्तान में खुशी की जगह दुख मनाया जाएगा बाबरी मस्जिद के नाम से, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, नफरत के आधार पर ही तो उस देश का विभाजन हुआ था। अब यहाँ तो थोड़ा सा हम कुछ खुशी मनाते हैं, कुछ करते हैं, तभी उनकी नानी मर जाती है, उन्हें याद आ जाता है कुछ ना कुछ ऐसा, तो इस शुभ अवसर पर ऐसी बात करना व्यर्थ है, इस विषय में कोई बात ही नहीं करनी, हमें केवल सकारात्मक बात करनी है। वो शुभ अवसर आया है 500 वर्ष के संघर्ष के बाद, यहूदियों ने यरूशलम को हासिल करने के लिए लगभग 1500 वर्ष संघर्ष किया, हमने भी 500 वर्ष संघर्ष करके प्रभु राम के जन्म स्थान को मुक्त कराया, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा है, जैसे कोरोना महामारी चल रही और जो भूमि पूजन होगा वहाँ पे, आपके हिसाब से कैसी व्यवस्था होनी चाहिए जो वहाँ पे लोग जाएंगे भूमि पूजन में? देखिए, व्यवस्था तो देखना प्रशासन का कार्य क्षेत्र है, वो उसको देखेंगे, और स्वयं प्रशासन उसमें सक्षम है, उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार उसको देखने के लिए सक्षम है। लेकिन एक छोटी सी बात को और कहना चाहूँगा, इसमें जिन लोगों का इस कार्यक्रम को आंदोलन का रूप देने में योगदान रहा, उनको भी याद करना आवश्यक है। श्रद्धेय आडवाणी जी तो महानायक थे, वो रथ पर थे सवार, वो उसको लेकर आए, तभी इतनी सी बात इतना बड़ा आंदोलन बनी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुओं में जागृति ले आई। लेकिन KN गोविंदाचार्य जी, जिनके मस्तिष्क की ये उपज थी राम जन्मभूमि आंदोलन, उनको भी इस अवसर पे याद करना अति आवश्यक होगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन।